हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सिखर उठ चैनल में प्रिंस तिवारी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ कि फैन अगर उल्टी चाल में चलने लगे तो उसको कैसे आप सही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी फैन कंडेंसर आप चेंज करते हैं, अगर आपकी फैन उल्टी चाल में चलने लगती है तो आप उसको सही दिशा में कैसे चेंज कर सकते हैं, तथा फैन के कनेक्शन को कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों आप मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इस फैन को कनेक्शन को सीधा कैसे करना है। दोस्तों आपका टाइम वेस्ट नहीं करते अपनी वीडियो को शुरू कर देता हूं और आपको मैं इसके कनेक्शन सही करके और कनेक्शन सिखा करके बता देता हूं कि इसको कैसे कनेक्शन सही करना है। दोस्तों तो है गाइस, आप देख रहे हैं सिखर उठ चैनल में प्रिंस तिवारी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर हैं तो पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन उसको प्रेस करें ताकि वीडियो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले आपको फैन के कनेक्शन के बारे में आपको बताने से पहले मैं इसकी वायर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, दो आपकी जो सेम कलर की वायर होती है, दो इसमें चार वायर डाली जाती है जो कि दो सेम और दो सेम कलर की होती है। दोस्तों, इसमें कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव नहीं होती है। उसके बाद में दो जैसे कि आप देख रहे हो, ये दो ब्लैक हो सकती है आपकी स्टार्टिंग की कॉइल हो सकती है, और ये जो रेड वाली दो वायर दिख रही है ये हो सकती है आपकी रनिंग की कॉइल हो सकती है। दोस्तों आपको इसको दो रेड और दो ब्लैक आपको दिखती है, तो दो रेड में से दो ब्लैक में से आपको एक रेड और एक ब्लैक को एक कर देना है, ऐसे एक कर देना है, तो आपकी इसमें से तीन टर्मिनल निकल जाएगी। दोस्तों ये एक वायर हो गई, जो दो आप मिलाए होंगे एक वायर हो जाएगी, उसके बाद में दो ये कनेक्शन निकल जाएगी। दोस्तों तो कनेक्शन निकलने के बाद इस दोनों कनेक्शन को, जो आपकी एक रेड और एक ब्लैक बचती है, इस दोनों कनेक्शन को कंडेंसर के मेन पॉइंट पर जोड़ देने होंगे। दोस्तों तो कंडेंसर के मेन पॉइंट पर जोड़ने के लिए ये देखिए दोस्तों, मैं आज इसको प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ कि फैन अगर आपकी उल्टी दिशा में चलने लगती है तो आपको इसको सही कैसे करना है। दोस्तों तो उसके बाद में आपको क्या करने होंगे, ऐसे जोड़ देने होंगे, और जोड़ने के बाद अब मैं इसके कनेक्शन तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं इसमें एक वायर जोड़ करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये मैंने मेन वायर डाल रही है, डालने के बाद आपको ये देख लीजिए दोस्तों, इसको कैसे चेक करें, तो चेक करने के लिए आपको ऐसे करके और लगा देने होंगे। तो दोस्तों लगाने के बाद देख लीजिए, मेन वायर मैंने इसको डाल रहा हूँ इसमें, देख लीजिए दोस्तों ये फैन हमारी उल्टी दिशा में चल रही है। दोस्तों तो दोस्तों ये फैन हमारी उल्टी दिशा में चल रही है, आप देख रहे होंगे ध्यान से। तो दोस्तों फैन की सही दिशा क्या होती है, आपकी जो लेफ्ट से राइट ना चाहिए, यानी कि जो आपकी लेफ्ट से राइट जाएगी वो सही दिशा होती है, जो आपकी राइट से लेफ्ट जाएगी वो रॉन्ग दिशा होती है। दोस्तों तो ये फैन हमारी उल्टी दिशा में चल रही है, तो आप इसको सही कैसे करना है। तो दोस्तों आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपको एक वायर, बस एक वायर आपको चेंज करने होंगे, उससे आपकी फैन की कनेक्शन सीधी हो जाएगी। तो दोस्तों जिस कंडेंसर के आप पॉइंट पे जिस वायर को जुड़े होंगे मेन वायर को, उस कंडेंसर के उस पॉइंट से हटा करके दूसरे वाले कंडेंसर के दूसरे पॉइंट पे जोड़ देने होते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप इस कंडेंसर के इस पॉइंट पे आपको वायर जुड़े होंगे, तो इस कंडेंसर के एक दूसरे वाला जो वायर बचती है उस पर जोड़ दें, आपकी फैन सही दिशा में चलने लगेगी। दोस्तों तो ये देख लीजिए, मैंने जो आपको बताया था वही मैंने किया और ये फैन मेरी सीधी दिशा में चलने लगी। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, हमारी फैन सही दिशा में चलने लगी है। दोस्तों तो दोस्तों ये था मेरा फैन सही चलने दिशा में चलने का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप फैन, स्टेबलाइजर, टीवी, सीडी किसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे कमेंट करके कमेंट बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों